करनाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक और वॉल्वो बस की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत की खबर भी सामने आई है। ट्रक और वॉल्वो बस की इस भीषण टक्कर के बाद बताया जा रहा है कि इस हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। दरअसल एनएच एक पर खड़े ट्रक से ये वॉल्वो बस टकराई और इसके बाद ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह ये हादसा हुआ है, बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दरअसल ट्रक और वॉल्वो बस के बीच ये भिड़ंत हुई और इस हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे संवाददाता केसी आरिफ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह ये भयानक सड़क हादसा देखने को मिला है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये घटना जो है लगभग एक घंटा पहले की, और यहाँ पर जो एक दिल्ली की तरफ से वॉल्वो बस हिमाचल की तरफ जा रही थी, और वहीं रास्ते में करण लेक के पास एक कैंटर जो कि कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ खड़ा था कैंटर का ट्रक, और उसमें जो है ना ज्यादा स्पीड होने के कारण और कहीं ना कहीं जो वॉल्वो बस का जो चालक है वो उसको नींद की झपकी लगने के कारण बैलेंस खराब हुआ और उस टक्कर उसमें जो खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, और जिसके मौके पर ही वॉल्वो बस के चालक की भी मौत हो गई है और बस की आधी बस जो है ना उसके परखच्चे उड़ गए और कई यात्री घायल भी हुए हैं। फिलहाल इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और ट्रैफिक पुलिस वहां पर पहुंच गए हैं और जो भी यात्री घायल हैं उनको उपचार के लिए भेज दिया गया है, और वहीं जो ट्रक जो वॉल्वो बस चालक की जो मौत है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी, अगर बात की जाए तो वॉल्वो बस में कितने यात्री सवार थे और जो भी घायल हुए हैं उनकी कैसी स्थिति बनी हुई है? देखिए, वॉल्वो बस से टूरिस्ट ये जब बस में काफी यात्री बताए जा रहे हैं, पर अभी तक जो है गिनती नहीं हो पाई है। जो ट्रक जो टक्कर लगी है जिसमें कई यात्री तो घायल हुए हैं, परंतु जो चालक था आगे बैठा था उसको काफी बस डैमेज हो चुकी है और उसकी मौत हुई है। जो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, अभी कितने उसमें पूरे यात्री थे वो अभी बाद में उसका जो है ब्यौरा आएगा, परंतु फिलहाल जो है ना हादसा काफी दर्दनाक है और कहीं ना कहीं नियंत्रण बस से चालक ने खो दिया और खड़े ट्रक में टक्कर मार दी जिससे बड़ा हादसा हुआ। जी, अगर बात की जाए तो ट्रक ड्राइवर की, तो ट्रक ड्राइवर क्या फरार हो चुका है या फिर अभी वो कहां पर है? फिलहाल वो ट्रक जो चालक है वो फरार है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसकी गाड़ी जो खराब हुई खड़ी थी और उसने जो जीटी रोड हाईवे नेशनल वन नंबर वन करणले के पास उसने साइड में लगाया हुआ था, और परंतु जो चालक वॉल्वो बस का चालक उसने कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किया और गलती की है। भाई जो तेज स्पीड में बस थी वो उसका अपना नियंत्रण खोया और टक्कर उसमें जोरदार मार दी और ये भीषण हादसा हुआ जिसमें एक की मौत हो चुकी है। जी, पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, किस तरह से कार्रवाई कर रही है पुलिस? बिल्कुल, जो करनाल पुलिस है वो जो ट्रैफिक पुलिस है एसएचओ या दूसरी और भी सदर थाना पुलिस है वो कर्मचारी पुलिस के वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं और उन जो खड़ा कैंटर है उसको साइड में जो टक्कर लगी जिसमें उसको साइड में किया जा चुका है और जो रास्ता है जीटी रोड का जो आम वाहनों के लिए खोल दिया गया है, यात्रा जो सुचारू रूप से अब ट्रैफिक चल रही है। फिलहाल जो है पूरे घटना की जो है पुलिस जाँच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि करनाल में वॉल्वो बस और ट्रक के बीच ये जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। हालांकि ट्रक चालक का अभी तक फिलहाल सुराग नहीं मिल पाया है, वो फरार बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस हादसे में आप देख सकते हैं कि बस की हालत कितनी क्षतिग्रस्त हो चली है और कई यात्री घायल भी हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, जिसके बाद ही ट्रक चालक की पहचान हो पाएगी, उसका पता चल सकेगा।